मंगळा गौरी व्रत व्रतनी विधि। श्रावण मासना प्रथम मंगळवारथी 4 मंगळवार सुधी आ व्रत करवामां आवे छे। दर मंगळवारे सवारे वहेला उठी स्नान करी पार्वती मानी पूजा करवी, त्यार पछी मंगळा गौरीनी वार्ता सांभळवी अथवा कहेवी। ए दिवसे उपवास न थाय तो एक टाणुं करवुं। कुंवारी कन्याओ पोतानुं व्यभिचार थया पछी पतिनुं सुख प्राप्त थाय ते माटे आ व्रत करे छे। परिणीने सासरे गया पछी आ व्रत करवाथी पति सुख, संतान सुख तथा संपत्ति सुख प्राप्त थाय छे। कथा। एक गाममा पटेल अने पटलाणी रहे। तेओ खूब धार्मिक वृत्तिवाळा अने दयाळु जीव हता। तेओ खाधे पीधे सुखी हता। पटलाणीए हजू सुधी पेट माड्युं न हतुं, तेथी पति पत्नी खूब उदास रहता हता। श्रम के दान पुण्य करवामां तेओ जराय कचाश राखता न हता, छतां तेमनी आ शेर माटीनी खोट हजू सुधी पूराई न हती। एक वखत एक साधु महात्मा पटेल ने मळ्या। तेमने पार्वती मानु तप करवा कह्युं। पटेल तो शंकर पार्वतीना मंदिरे जई पार्वती मानु तप करवा लाग्या। तेमने खरा अंतरनी भक्ति जोई पार्वती प्रसन्न थया अने तेमने वरदान मांगवा कह्युं। पटेले मां पासे पुत्रनी मांगणी करी। ना जवाबमां पार्वती बोल्या, हे वत्स, तारा नसीबमां संतान योग नथी, तेम छतां हूँ तारी भक्तिथी खुश थईने 21 वर्ष जीवे एवो पुत्र अथवा परण्या पछी तरत विधवा बने एवी पुत्री, ए बेमांथी कोई पण एक तने आपू, बोल तू शुं ईच्छे छे। आ सांभळी पटेल मूंझवणमां पड़ी गया। आखरे तेमणे 21 वर्ष जीवे एवा पुत्रनी मांगणी करी। पार्वती माए कह्युं, जो आ मंदिरनी सामे एक आंबानी केरी तोड़ी तारा पत्नीने खवडाव, आथी तेने एक गौणियल पुत्र अवतरशे। पटेले झाड़ परथी केरी तोड़वा पत्थरा फेंक्या। एमानो एक पत्थर गणपतिनी मूर्तिने वाग्यो, आथी गणपति क्रोधे भराया। गेबी अवाजमां तेमणे पटेलने शाप आप्यो, पटेल, ते तारा स्वार्थ खातर मने पण पत्थर मार्यो, माटे जा, तारो पुत्र 21 वर्षनो थशे त्यारे तेनुं सर्पदंशथी मृत्यु थशे। पटेल पोताना घेर केरी लईने गया अने ए केरी पटलाणीने खवडावी दीधी। आथी पटलाणीने गर्भ रह्यो अने पूरा 9 मासे तेणे एक सुंदर पुत्र ने जन्म आप्यो। तेनुं नाम राखवामां आव्युं रामू। रामू खूब लाडकोड़थी उछरवा लाग्यो। ते भणवा गणवामां घणो होशियार हतो। आम करता ते 20 वर्षनो थयो। एक दिवस पटेल काम अंगे परगाम जता हता। रस्तामां एक तळाव आवता तेओ भातुं खावा बेठा। ते वखते कपड़ां धोवा आवेली 2 छोकरीओने वातचीत तेमना काने पड़ी। रमा कहे, एली राधा, मारी जेम तू पण आ श्रावण मासमां मंगला गौरीनुं व्रत कर। ए व्रत करवाथी आपणुं सौभाग्य अखंड रहे छे, पतिनुं आयुष्य वधे छे। सारूं, राधाए कह्युं सारूं। पतिना आयुष्य माटे आ व्रत दरेक छोकरीए करवुं जोईए, हूँ पण करीश। पटेलने मनमा विचार आव्यो के मारा पुत्र रामूने आ छोकरी साथे परणावुं तो ते दीर्घ आयुष्य बने अने 21मा वर्षे आवनारी मृत्युनी घातमांथी बची जाय। आथी ते रमानी पाछळ पाछळ तेना घरे जई चढ़्या। रमाना पिता जोईताराम तेमनी ज्ञातिना हता। ते पण पोतानी दीकरी रमा माटे सुयोग्य वरनी शोधमां हता। एटले रामूना पिताए वात करता तेओ पड़नो पण विलंब कर्या वगर पोतानी दीकरी रमाने रामू साथे परणावा तैयार थई गया। योग्य मुहूर्त जोई जोईतारामे पोतानी दीकरी रमाने परणावी दीधी। रमा परणीने सासरे आवी अने आनंदथी घर संसार चलावा लागी। सासरे आव्या पछी पण तेणे व्रत करवानुं चालू राख्युं। आथी प्रसन्न थई मंगळा माए स्वप्नमां आवी तेने कह्युं, रमा, तारा पतिनुं आयुष्य आवता मंगळवारे एक साप तारा पतिने डसवा आवशे, परंतु एना गुस्साने ठंडो पाडवा माटे साकर नाखेલું दूध कुंडामां भरी पलंग नीचे मूकजे। तेनी बाजुमां एक खाली માટली मूकजे। साप दूध पीने માટलीमां घुसी जशे। ए वखते तारे લુગડા વડે માટલીનું ઢાંકણું ઢાંકી દેવાનું अने सवार पड़े सापने बगड़ामां जईने छोड़ी आवजे। जो तू गफलतमां रहीश तो तारो पति मृत्यु पामशे। रमा स्वप्ननी वात साची मानी मंगळवारनी वाट जोवा लागी। मंगळवार आव्यो। ए दिवसे एणे मंगळा मातानी पूजा करी, पोताना पतिना दीर्घायु माटे माने प्रार्थना करी। रात्रे स्वप्नमां मंगळा माए कया मुजब एक भयंकर साप फूफाड़ा मारतो पलंग पासे आवी पहोंच्यो। रमा जागती ज बैठी हती। तेणे दूध भरी कुंडू तैयार राख्युं हतुं। साप ए दूध पी गयो अने सरकतो सरकतो पलंग पर चढ़वाने बदले માટલીमां पेसी गयो। રમાએ ચપ લઈને માટલીનું મોં લુગડા વડે ઢાંકી દીધું। મંગળા માની કૃપાથી રમાનો ચૂડી ચાંદલો અખંડ રહ્યો। તેણે આદરેલું મંગળા ગૌરીનું વ્રત ફળ્યું। બીજે દિવસે સવારે રમાએ સાસુ સસરા તથા પતિને સઘળી વાત કહી સંભળાવી અને સાપને વગડામાં જઈ છોડી મૂક્યો. તેની વાત સાંભળી સૌ હરખાઈ ઉઠ્યા. આખા ગામમાં રમાની વાહવાહ થવા લાગી. ગામની અન્ય સ્ત્રીઓ પણ મંગળા ગૌરીનું વ્રત કરવા લાગી. સૌ કોઈ રમાના વખાણ કરવા લાગ્યા. જેમ સાવિત્રીએ પોતાના વ્રતના પ્રતાપે સત્યવાનના પ્રાણ પાછા મેળવ્યા, તેમ રમાએ પોતાના પતિ રામુને બચાવી લીધો અને તેને દીર્ઘાયુષી બનાવી દીધો. આવો છે મંગળા ગૌરી વ્રતનો પ્રભાવ. હે મા મંગળા ગૌરી, જેમ તમે રમા વહુને ફળ્યા, તેમ તમારું વ્રત કરનારને, તમારી આ કથા સાંભળનારને અને સંભળાવનારને ફળજો.